तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवेनो सुपर डीमार्ट डी शेयर के बारे में सो so, अगर हम डीमार्ट की बात करें तो कल के दिन हमें इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर देखने को मिला था और अगर हम नंबर की बात करें दोस्तों यानी कि कल के दिन जो बाज़ार ओपन होगा तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है so, सो ऐसा क्यों क्योंकि आपने देखा होगा कि नंबर आने से पहले एक हफ्ता पहले डीमार्ट ने अपना बिजनेस अपडेट प्रेजेंट किया था और जैसे उन्होंने अपना बिजनेस अपडेट प्रेजेंट किया कि हमने इतने सेल्स किए और हमने इतने न्यू स्टोर ओपन किया और नेक्स्ट दिन आपने देखा कि स्टॉक में किस प्रकार का करेक्शन देखने को मिला इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि लगातार दो दिन हमें स्टॉक में अच्छे खासे गिरावट भी देखने को मिला था यानी कि बाजार ये मान के चल रहे कि कंपनी के जो एक्चुअल नंबर आएगा वो भी खराब आ सकता है और अगर बाजार की उम्मीद से भी खराब आता है तो ज़रूरी नहीं कि स्टॉक दो दिन में गिरा है बिजनेस अपडेट आने के बाद स्टॉक स्टॉक और नहीं गिरेगा स्टॉक में और भी फर्दर करेक्शन हो सकता है बट जैसे मैंने कहा जो बिजनेस अपडेट कंपनी के आए थे एक हफ्ते पहले उसमें सिर्फ सेल्स मैंशन था कि कंपनी ने याली बेसिस पे इतने सेल्स दिखाए और इतने स्टोर कंपनी ने ओपन किया और अब उस सेल्स के ऊपर कंपनी ने कितने एक्सपेंस किया कितने एक्चुअल में कितने नेट प्रॉफिट जनरेट किया कितने ई पी दिखाए उसके अकॉर्डिंगली कल के दिन आपको बाजार में इन स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले अब हम चलते उस नंबर को और उस नंबर को हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये नंबर कल के दिन आया था तो उम्मीद है कि इस कंपनी के नंबर को आप लोगों ने ज़रूर डिटेल में स्टडी किया होगा और मैंने भी इस कंपनी के नंबर को डिटेल में स्टडी किया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू करना चाहूँगा उसके बाद मैं अपने साथ से कुछ इंपॉर्टेंट कहूँगा कि ये जो नंबर है कल दिन के दिन क्या बाजार को अच्छे लग सकता है अगर अच्छे लग सकता है तो क्यों लग सकता है अगर अच्छे नहीं लग सकता है या अगर और भी गिरावट होगा तो क्यों हो सकता है सो तो उस पॉइंट को भी हम आगे कंसिडर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे बस सबसे पहले देख लेते कंपनी के नंबर किस हिसाब से आए सो हम आ चुके कंपनी के नंबर के ऊपर तो प्रिंट आउट थोड़ा सा खराब है तो सबसे पहले सिक्वेंस की बात करें दिसंबर सेप्टेम्बर दिसंबर सिक्वेंस एकदम ओके ओके है तो इनकम की बात करें जो कि हमें ऑलरेडी पता ही है फिर भी देख लेते हैं तेरह हज़ार छः सौ करोड़ पिछले क्वार्टर में बारह हज़ार छः सौ साठ करोड़ और एक साल पहले ग्यारह हज़ार छः सौ करोड़ तो इनकम तो यारली भी अच्छे है क्वार्टली भी अच्छे है जो कि हमें एक हफ्ते पहले जब इनके बिजनेस अपडेट हुआ था तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके थे अब आते हैं हम की पॉइंट के ऊपर यानी कि एक्सपीरियंस के ऊपर क्योंकि हर बार दोस्तों जो स्टॉक में गिरावट होता है या जो नंबर में गिरावट होता है तो उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी की एक्सपेंस ज़्यादा होता है इनकम हर बार अच्छी आता है ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे बट एक्सपेंस ज़्यादा होने के चलते कंपनी के प्रॉफिट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाता है तो कि इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो बारह करोड़ आप प्रॉफिट बोल सकते हो पिछले क्वार्टर में एलिवन एक साल पहले टेन के आसपास तो यारली क्वार्टली दोनों बेसिस पे सो so, उसी रेंज में देखने को मिल रहा है कंपनी के एक्सपेंस जिस रेंज में कंपनी के इनकम है सो इनकम माइनस एक्सपेंस आ जाता है प्रॉफिट कौन सी प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट जिसे हम ओ बोलते हैं तो एक बार उसको देख लेते हैं नाइन फोर्टी नाइन के आसपास पिछले क्वार्टर में एट फिफ्टी वन एक साल पहले एन वन 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 तो ईयरली भी अच्छे क्वार्टली भी अच्छे बट ये तो नेट प्रॉफिट नहीं है इसके बाद सरकार को टैक्स देने पड़ेंगे तो हम डायरेक्टली चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट के ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिक्स नाइन्टी यानी कि छः सौ नब्बे छः सौ तेईस और एक साल पहले फाइव एट्टी नाइन तो फाइव एट्टी नाइन के नेट प्रॉफिट सीधा सिक्स नाइन्टी ऑलमोस्ट हंड्रेड करोड़ के जंप याली बेसिस क्वार्टरली बेसिस बात करें सिक्स ट्वेंटी थ्री के नेट प्रॉफिट सीधा सिक्स नाइन्टी ऑलमोस्ट सेवेंटी करोड़ के आसपास के जंप मतलब सिक्सटी फाइव सेवेंटी करो के आसपास तो कैसे रहे कंपनी के मतलब नंबर दोस्तों दुनिया का तो पता नहीं कंपनी की जिस प्रकार के साइज है ऐसे नहीं कि छोटी कंपनी में इस प्रकार के जंप आ सकता है ये बड़ी सारी कंपनियाँ तीन लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप बाद एक बहुत बड़े ब्लूचिप कंपनी में इसी प्रकार की ग्रोथ होता है ऐसा कभी नहीं होगा कि छः सौ तीस करोड़ के नेट प्रॉफिट अगले तीन मंथ में वो सीधा हज़ार करोड़ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनकी जो ग्रोथ रहता है वो धीमे धीमे रहता है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी नेट प्रॉफ़िट इस बार एटलीस्ट इस बार दोनों बिस पे अच्छे ही दिखाई देन उसी के रिफ्लेक्ट ई में देखोगे तो सेम देखने को मिल जाएगा टेन पॉइंट पिछले क्वार्टर में नाइन एक साल पहले नाइन पॉइंट वन जीरो तो ईयरली भी अच्छे हैं क्वार्टली बैच अच्छा है सो so, कैसे रहा डी मार्ट शेयर के नंबर सो अगर so, मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो कंपनी बहुत टाइम बाद लगातार तीन चार क्वार्टर के बाद देखा जाए तो इस बार बाकी इस कंपनी ने एक इम्प्रेसिव नंबर दिखाया एटलीस्ट मुझे तो ज़रूर इम्प्रेस किया बाकी टाइम कंपनी सेल्स अच्छे दिखाते हैं बट एक्सपेंस के चलते कंपनी के प्रॉफिट में हर बार डाउन आ जाता है बट इस बार उसने एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया उसके चलते कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छे दिखाया दोनों बेसिस पे ईयरली क्वार्टली दोनों बेसिस पे तो उम्मीद है जो बिजनेस अपडेट आने के बाद जो डी के शेयर में दो दिन गिरावट हुआ था मुझे लगता है कल के दिन इस नंबर को बाजार अप्रिशिएट कर सकता है मुझे ऐसा लगता है आपको क्या लगता है आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो लेकिन आज अगर मान लो कल के दिन अप्रिशिएट होता भी नहीं इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि कंपनी के नंबर ख़राब थे कंपनी के नंबर बहुत कमा कमाल के थे इस नंबर के प्रति आपको कल नहीं तो कभी ना तो कभी ज़रूर आपको तेजी देखने को मिल जाए और चांसेस इसलिए हो सकता है कि तेजी ज़्यादा आए मतलब आ सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए मतलब बाजन इतने कमाल के परफॉर्मेंस देने के बाद भी इसने बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस दिखाया अगर आप एक साल में दे तो उसने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया है चार साढ़े चार परसेंट और जो 2021 में टॉप बनाए थे एग्जैक्टली पाँच हज़ार नौ सौ के आस पास दो सौ दो साल से इतने लंबे कंसोल आप बोल सकते हो कि गिरावट माहौल में है तो माइट भी इतने गिरावट में इतने टाइम से स्टॉक जब अंडर वैल्यू पर ट्रेड करे तो माइट भी ये नंबर कुछ बड़े इन्वेस्टर को अच्छे लगे और वो अच्छे खा बाइंग करें तो कल के दिन स्टॉक में एक अच्छी खासे मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है अगर मोमेंटम नहीं भी बना मैं बार बार बोल रहा हूँ लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे टॉप पे बाय किए अब अगर आप बने रहोगे तो डीमार्ट शेयर आपको लॉन्ग टाइम में जरूर रिटर्न बना के दे देगा अभी भी लिस्ट हुआ छः सात साल हुए उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छे रिटर्न बना के दिया फ्यूचर के लिए कंपनी बहुत शानदार है बहुत अच्छी खास आपको एक स्टेबल रिटर्न बना के आराम से दे सकता है तो किसी के पास पे इस नंबर को देख के लॉन्ग टाइम के लिए आपको मतलब कंटिन्यू करने में कोई भी दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कोई अगर सोच भी रहा था कि एवरेज करना चाहिए तो क्या जाना चाहिए देखो अगर ये कंपनी आपको अच्छे लगते हैं नंबर तो मुझे बहुत अच्छे लगे आपको अच्छे लगे तो आज भी स्टॉक नियर बाय टॉप ले थर्टी फाइव परसेंट डाउन है तो ज़रूर आप इसके बारे में कल के दिन जरूर विचार कर सकते हो तो फोकस बना कर रखना कि कल के दिन स्टॉक में थी चांसेस तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट पॉजिटिव तेजी तो ज़रूर हो सकता है ये मेरा ओपिनियन है आपका क्या है तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो देन बात करेंगे बजाज फाइनेंस एक ऐसे स्टॉक की बात करें इसके भी कुछ दिन बाद कंपनी के नंबर आने वाले और इसकी भी जो नंबर है दोस्तों उसके बाद जो बाजार का रिएक्शन आएगा वो भी और इम्पोर्टेंट होने वाला है सो ऐसा क्यों सो इसके भी जो नंबर आने से पहले इनके जब हमें बिजनेस अपडेट देखने को मिला था फोर्थ जनवरी को कि कंपनी के जो आ, ए, एसेट अंडर मैनेजमेंट है दोस्तों तो तीन लाख करोड़ के भी क्रॉस करते हुए देखने को मिला था जो कि यारली बेसिस पे थर्टी फाइव परसेंट और नंबर ऑफ न्यू लोन बुक के भी देखोगे लोन को उसमें भी ट्वेंटी सिक्स परसेंट के जब जो कि नियर बाई एक लाख करोड़ के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिला था मतलब बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा है। और ये नहीं दोस्तों आने वाले टाइम में एक लाख क्या ये लोन ग्रोथ आपको दो लाख भी देखने को मिलेगा आने वाले लॉन्ग टाइम पर बात करो और जो तीन लाख को रॉस किए एसेट अंडर मैनेजमेंट ये एक टाइम पर आपको पाँच लाख के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल जाएगी क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फाइनेंस के तो रिकॉर्मेंट पड़ते ही पड़ते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी फ्यूचर में भी बहुत कमाल की ग्रोथ दिखा सकता है सो अगर हम बजाज फाइनेंस की बात तो इतना तो कंफर्म है कंपनी बिजनेस बहुत कमाल की है सेल्स भी कमाल के आ सकता है हो सकता है फोर्टीन थाउजेंड के ऊपर कंपनी की सेल्स आए जो कि उम्मीद तो बहुत है उसके बाद देखना पड़ेगा कंपनी एक्सपीरियंस को कैसे कंट्रोल करते हैं और उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट किस हिसाब से दिखाते हैं हर बार अच्छे नंबर दिखाता है एक ब्लू चिप कंपनी होने के बाद भी क्वार्टली यारली हर बार अच्छे नेट प्रॉफिट दिखाना अच्छे सेल्स दिखाना बहुत टफ रहता है फिर भी इस बजाज फाइनेंस ने हर बार अपने टफ नंबर को भी मतलब बीट करते देखने को मिला था तो डेफिनेटली इस बार भी हमारी उम्मीद है कि कंपनी के जो नंबर है दोनों बिसे पे अच्छे आए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वो नंबर अगर बाजार को अच्छे लगे तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है सो ऐसा क्यों क्योंकि क्यों, इसने भी पिछले कुछ टाइम से बहुत ही अंडर परफॉर्मेंट किया ये तो दोस्तों एक इंडेक्स का स्टॉक है जबकि इंडेक्स ने इतने कमाल के परफॉर्मेंस देने के बाद भी ये अभी भी अपना उसी लेवल पर पड़ा हुआ जो कि दो साल पहले इसने अचीव किया था मतलब दो में जिसने अपना आठ हज़ार के आसपास लेवल बनाया था आज ही वो उसी लेवल पे नियर बाय दो सौ दो साल से इतने बड़े कंसोलिडेशन में और आपको पता है ब्लू चिप स्टॉक इसी प्रकार से चलते हैं दोस्तों जब उसमें ब्रेकआउट आता है कभी ना कभी ज़रूर आएगा तब इतना तेज़ी से भागेगा जो कि हर कोई फिर बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस बोलेगा तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अगर आप टॉप पर बने हो दो साल से विदाउट प्रॉफिट में जो कि बहुत टफ रहता है होल्ड करना फिर भी अगर आप होल्ड कर रहे हो दोस्तों आज नहीं तो कल जैसे हाल ही में आपने देखा कि किसने ब्रेकआउट दिया रिलायंस की बात करें तो बहुत टाइम बाद एक ऑल टाइम है अचीव किया तो इसमें अभी तक ऑल टाइम है अचीव नहीं किया बट जब इसमें ब्रेकआउट आएगा जो हम बोलते ना कि दस ये बारह पंद्रह भी पहुँच जाएगा मतलब यहाँ से भी डबल हो जाएगा कुछ ही मंथ के अंदर जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा तो ये लार्ज या ब्लू चिप कंपनी इसी प्रकार से चलते हैं तो मैं आस... क्योंकि अगर आप इसके टेक्निकल को भी देखोगे तो ये रहा जब जब वो अपने एट थाउजेंड के लेवल को टच करता है फिर ब्रेक करता है फिर एक ब्रेकडाउन आ जाता है हर बार आप देख पाएंगे हर बार इसी प्रकार के तो अगर इस बार नंबर अच्छा आ जाए क्योंकि नंबर के तो सपोर्ट चाहिए चाहिए तो डेफिनेटली उसके ऊपर अगर सस्टेन दिखाए तो नाइन से लेकर टेन थाउजेंड आपको आराम से देखने को मिल सकता है तो बहुत अच्छी कंपनी खास करके लॉन्ग टाइम हिसाब से बात करें तो जिसके पास भी है दोस्तों ये ब्लू चिप कंपनी है डेफिनेटली आपके जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इसमें एक स्टेबल ग्रोथ मतलब एक स्टेबल रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है और जैसे मैंने कहा जब ये लेवल ब्रेक होगा दो साल से दो साल पुराना तो एक बहुत बड़ी रैली भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो जितना आप सोचते नहीं हो उससे कई गुना ये आपको रिटर्न बना के दे देगा तो बस इतना क्या चाहूंगा किसी के पास बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक है आप बिंदास होकर बने रह सकते तो हाँ किसी को अभी एंट्री लेनी है शायद से थर्टी जैन को कंपनी के नंबर है प्लीज़ नंबर तक वेट कर लेना एक बार क्योंकि नंबर के बाद ही कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें बाए, बड़े बाइंग करेंगे तभी जाके बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है तो इसलिए एक बार नंबर तक वेट कर लेना एक बार नंबर आ जाए उसके बाद नंबर को देख के अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जरूर ले सकते हो बट नंबर कैसी भी आए या फिर नंबर आने के बाद भी मान लो फिर से स्टॉक में इसी फ्लैट मोमेंटम होता है तब भी दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है कि आप बिंदास बने रह सकते हो तो आज नहीं तो कल ये स्टॉक दस हज़ार के पंद्रह हजार भी जरूर आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगा तो किसी के पास पे दोस्तों ये स्टॉक एक दे साल ये हर ये मोमेंट हर किसी स्टॉक में आता है जो कि अभी बजाज फाइनेंस में कभी ना कभी फिर बजाज फाइनेंस ब्रेकडाउन करेगा मतलब ब्रेकआउट देगा तब हर कोई बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस बोलेगा तो आपका ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपके पास है तो आप जरूर बने रह सकते हो ये फेस हर किसी अच्छे स्टॉक में आता है जो कि अभी हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है और एक स्टॉक एस्टर लिमिटेड इसकी भी बात करें जैसे मैंने कहा इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये वाले लेवल ये जो यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था तेरह सौ के आसपास से उसके बाद एक स्टॉक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन है लगभग जून से लेकर दिसंबर तक और पाँच साल के देखो हुए तो ये तो और भी पुराने लेवल है तो जब ये लेवल भी ब्रेक होगा क्योंकि ये भी एक बड़े साइज की कंपनी है तो इसमें भी बहुत बड़े तेजी आएगा तो बस इतना कह चुका अगर इस्टेल लिमिटेड भी आपके पास है तो इस बार तो दिसंबर के क्वार्टर है यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो कंपनी फेस्टिवल में बहुत अच्छे खासे बिजनेस किया तो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट वाली कंपनी यानी कि पाइपिंग वाली कंपनी है तो वो कंपनी भी इस बार बहुत अच्छे खासे कमाई कर सकता तो उसके चलते इनके नंबर भी कमाल के आ सकता है तो प्लीज़ अगर आपके पास स्टेल भी है बहुत अच्छी कंपनी है आप प्लम भी के लिए इसके बारे में भी जरूर विचार कर सकते हो देन बात करें त्रिसकती इंडस्ट्री लिमिटेड अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो लगभग दो परसेंट के आसपास तेजी देखने को मिला था अगर आप सिक्स मंथ देखोगे तो फोर सिक्सटी फाइव परसेंट और ये जो स्टॉक इतने रॉकेट बना है सर्किट में उसके पीछे का रीजन है हाल ही में जो कंपनी वन टू फाइव का स्पीड का अनाउंसमेंट किया था उसके एक्सटेड निकल के आ चुके फिफ्टीन जनवरी की मंडे के दिन तो मंडे के दिन कोई अगर सोचता है खरीदूंगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों मंडे के दिन स्टॉक आपको कट ऑफ प्राइस पर देखने को मिलेगा उसके बाद भी हो सकता है स्टॉक में सर्किट लगे लेकिन उस सर्किट में आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप अच्छे स्टॉक से रहोगे तो इस प्रकार के कॉपोरेशन